अगले ही पल मुझ पर कयामत बरपा हो गई, जब मेरी सास ने कहा कि आज से तुम मेरे बेटे जुहेब की अमानत हो। दरअसल जिस लड़के से मैं उस दिन टकराई थी वो उनका दूसरा बेटा, शाहजेब का छोटा भाई जुहेब था। उसने मुझे पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था। पसंद क्या, उसने मुझसे इश्क किया था। और फिर उसी के कहने पर यह रस्म की गई। शाहजेब भाई की मोहब्बत में चुप रहे मैं टूट गई। समझ ना आया क्या करूं। शाहजेब ने आंख के इशारे से चुप रहने को कहा तो मैं समझ गई कि अब इनकार का भी कोई फायदा ना होगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत और हक की खातिर अभी खड़ी भी हो जाऊं तो वो महबूब ही मुझे अपनाने से इनकार कर देगा। पल में खुशियां बर्बाद हो गई, मैं बेजान मूरत बन गई। मेरी जुहेब से मंगनी के बाद शाहजेब कभी हमारे घर ना आए। जुहेब की कजन की शादी थी, हम लोग भी मधु थे। घर में काफी गहमा गहमी थी। मैं उनके लॉन में गुमसुम बैठी थी, ठंड बहुत थी मगर मुझे उसकी परवाह न थी। अचानक मुझ पर किसी ने पीछे से गर्म जैकेट डाल दी। मैंने चौंक कर देखा तो वो जुहेब था। उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं गुस्से से उठकर जाने लगी तो उसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने छुड़ानी चाही तो उसने मुझको खींच के खुद के करीब किया, जिससे मैं उसके कुशादा सीने से जा लगी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नजदीक था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें देख रहे थे। उसकी सांस तक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। एक पल के लिए वो मुझे बहुत भला लगा। उसकी इस बेबाकी ने मुझे अंदर तक झिंझोड़ दिया था। शाहजेब का अंदाज ऐसा बिल्कुल ना था, मगर वो बस एक पल ही था। मैंने गुस्से और नफरत से खुद को उसकी भावों से छुड़ाना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं बेबस हो गई। वो मुसलसल मुझे तके जा रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं गुस्से से बोली, अब और इंतजार नहीं होता, जल्द ही मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ ना। जानती हो मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने देखना। वो शोखी से मुस्कुराया, फिर उसने मुझे आजाद कर दिया। मुझे वो जहर लगा। मैंने उसको खरी खरी सुना दी, मगर वो मुसलसल मुस्कुराता ही रहा। मैं वहां से चल दी, मगर उसके वजूद की महक अब तक मेरे अंग अंग में बसी थी। इतने करीब आज तक मेरे कोई ना हुआ था, वो पहला शख्स था। बस फिर ये सिलसिला यूं ही रहा। वो प्यार लुटाते नहीं थकता था और मैं उसे जलील करते ना थकती। वो बेचारा तो ऐसा करने की वजह भी ना जानता था। उसने मेरी हर बदतमीजी, हर बदसलूकी का जवाब बस नरमी और मोहब्बत से दिया। मैं उन दिनों बहुत तकलीफ में थी। किस्मत का सारा गुस्सा उस पर उतार देती। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। जुहेब तो खुशी से पागल थे उन दिनों, और मैं जिंदा लाश बन गई थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जो मुझे और शाहजेब को एक कर दे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और मैं जुहेब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी, बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से जुहेब मुझे ब्याहने आया था। वो रात उसके अरमानों से सजी थी। उसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब ना हुई। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से जुहेब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था, यहां तक कि मेरे ख्यालों पर भी। अपनी बेबसी पर
मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत आ गया। मैंने इरादा कर लिया, मैं अब भी शाहजेब की जगह किसी को ना दूंगी। मुझे उस पल जुहेब के वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने उसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं उरूसी लिबास पहने घूंघट ओढ़े जुहेब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और मेरी सास जुहेब की फूफो बुखलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, जुहेब की कार का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत जख्मी है, मगर वो हॉस्पिटल ना जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की मगर वो बिल्कुल ना बोलता है। जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा ही होना चाहिए। तो बेटा तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से उसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फिलहाल तो हमने उसकी बात रख ली है और होश में है, खतरे की कोई बात नहीं, परेशान ना होना बच्चे, ठीक है ना। ये बोलकर वो चली गई, मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गई। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला, जुहेब अंदर दाखिल हुए थे। उनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रिस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली ना थीं। मैं बहुत परेशान हुई मगर जाहिर ना किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था, उनकी दो पसलियां भी टूटी हुई थीं, मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सबर नहीं हुआ क्या, घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हंसपे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूं, ये बात जहन नशीन कर ले। मैं गुस्से से बोली, वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। अच्छा, निकाह किया है तुमसे मैंने बेगम? वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने उनकी तरफ जब नजर उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थे। आप आराम करें, ज्यादा बात करना आपके लिए ठीक नहीं है, इस वक्त लेट जाएं जुहेब। मैंने जिंदगी में पहली बार उनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे।